नमस्ते सभी को। नमस्ते भानु भैया। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी साथियों को। आज हम लोग कल जो चर्चा हुई थी उस पर जो भी ध्यान देने का काम किए हैं अपने भीतर, उससे संबंधित अगर कोई ऑब्जर्वेशन ध्यान में आया है, कोई प्रश्न ध्यान में आया है, तो हम लोग उस पर थोड़ी बात करेंगे और फिर आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो कल हम लोगों ने मूलतः अस्तित्व को समझने के ऊपर, समझने के लिए जो चर्चा किया था, ध्यान देने का प्रयास किया था। उससे पहले हम लोगों ने मानव को समझने का काम किया था। मानव मूलतः कोएक्स, जो उसका कॉन्शियसनेस है, सेल्फ है, उसको समझने का काम किया था। उसके बाद हम लोगों ने इस पूरे एग्जिस्टेंस पर ध्यान देने का काम किया। इस पूरे एग्जिस्टेंस को जब समझने का प्रयास कर रहे थे तो मूलतः जो बात ध्यान में आई कि स्पेस है और इकाइयां हैं। अनंत इकाइयां दिखती तो हैं, लेकिन देखने जाएं तो इकाइयां दो तरह की हैं मूलतः, या तो जड़ या फिर चैतन्य। जड़ और चैतन्य ये दोनों ही इकाइयां स्पेस में हैं, शून्य में हैं। जड़ और चैतन्य ये दोनों प्रकार की इकाइयां स्पेस में रहते हुए एनर्जाइज्ड हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड हैं और परस्परता में संबंध को पहचानती हैं, निर्वाह करती हैं। और उस प्रक्रिया में हम लोगों ने देखा कि चार अवस्थाओं में, अस्तित्व में अनंत इकाइयों का प्रकटीकरण है। चार अवस्थाएं हम लोगों ने उसको समझने की दृष्टि से जो कैटेगराइज किया, पहला पदार्थ अवस्था, फिर प्राण अवस्था, फिर जीव अवस्था, फिर ज्ञान अवस्था। इस तरह से पूरे अस्तित्व का एक नेचुरल अनफोल्डिंग हम लोग देख पा रहे हैं और ये भी देख पा रहे हैं कि एक्सिस्टेंस इज को एक्सिस्टेंस। पूरे अस्तित्व में है ना, सअस्तित्व है। इस सअस्तित्व पर ध्यान देते हुए जब पूरी प्रकृति को देखने जाते हैं तो पूरी प्रकृति में एक इंटरकनेक्टेडनेस दिखता है, परस्पर अंतर संबंध दिखता है। और ये अनंत इकाइयां हैं, बहुत दूर दूर भी हैं, बहुत पास पास भी हैं, लेकिन ये सब एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित है, एक दूसरे से जुड़ाव है और एक दूसरे के साथ इस परस्पर पूरकता का निर्वहन कर रहे हैं। तो चारों अवस्थाओं में हम देख पा रहे हैं, पदार्थ अवस्था हो, प्राण अवस्था हो, जीव अवस्था हो, ज्ञान अवस्था हो, चारों अवस्थाएं परस्पर पूरक हैं और स्वयं में भी एक व्यवस्था है। उस परस्पर पूरकता के निर्वहन के अर्थ में एक दूसरे के साथ संबंध को पहचान रही है, निर्वाह कर रही है। तो सूरज, चंद्रमा हो, धरती हो, परमाणु हो, पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो, मिट्टी पानी हवा हो, मानव हो, हम मानव शरीर हो, हम सब देखें तो ना, ये परस्पर पूरकता का निर्वहन होता हुआ देख पा रहे हैं। मानव में भी एक नेचुरल एक्सेप्टेंस है इस परस्पर पूरकता को करने का। एक तरह से पूरे अस्तित्व को हम लोग जब देखने गए तो ये देख पाए इकाइयां शून्य के अस्तित्व में है। और मूलतः दो तरह की इकाइयां हैं, जड़ और चैतन्य। जड़ चैतन्य इकाइयां दोनों ही स्पेस में एनर्जाइज हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइज हैं, परस्पर संबंध को पहचान रही हैं, निर्वाह कर रही हैं। चार अवस्थाओं के रूप में है, पदार्थ अवस्था से लेकर ज्ञान अवस्था तक। तो इसमें मूल बात जो ध्यान में आई, इकाई और शून्य का अस्तित्व और इन सभी इकाइयों का स्वयं में व्यवस्थित रहते हुए एक बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करना। तो तीन बातें ध्यान में आई, अस्तित्व है, संबंध है, व्यवस्था है। तो इस पूरे अस्तित्व में संबंध है, व्यवस्था है और मूल में देखने जाए तो अस्तित्व है। हम भी अगर अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस को देखें तो हमको भी अस्तित्व, संबंध और व्यवस्था ही सहज स्वीकार है। हम मान्यताएं ऐसी बना सकते हैं जिसमें कि संघर्ष, विरोध और अव्यवस्था के अर्थ में कल्पनाशीलता चला रहे हो, उस अर्थ में प्रयास कर रहे हैं। तो इस पर हम लोगों ने जो चर्चा किया था कि हम पूरे अस्तित्व को समझने की प्रक्रिया में स्वयं पे ध्यान दें और देखें कि अस्तित्व में इकाइयां और शून्य दोनों है क्या, दो तरह की इकाइयां हैं क्या, जड़ और चेतन, फिर से अस्तित्व संबंध व्यवस्था पर भी ध्यान देने का प्रयास करें।
उससे संबंधित ही एक्सरसाइज आप सब लोगों के साथ साझा किया गया था। तो इस पर आप लोगों का अगर कोई ऑब्जर्वेशन है, कंसर्न है तो सुन लेते हैं। तो हम लोग अब 5 मिनट के लिए अपने भीतर रिफ्लेक्ट करेंगे और यह ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे पूरे तरह से, पूरे एक्सिस्टेंस के बारे जितना भी हम लोगों ने अध्ययन किया है पिछले 2-3 दिनों में, उसको अपने भीतर रिफ्लेक्ट करके ध्यान देकर देखने की कोशिश करेंगे। तो अगले 3-4 मिनट, 5 मिनट में कुछ नहीं बोलूंगा, हम सब उसको ऑब्जर्व करेंगे। शास्त्रीय तो संबंध व्यवस्था को, 2 तरह की इकाइयों को, 4 तरह की व्यवस्थाओं, 4 तरह की अवस्थाओं को और उसमें परस्पर पूरक संबंध को। फिर उस ऑब्जर्वेशन के बाद जो भी रिफ्लेक्शंस होंगे उसको हम थोड़ी शेयर करेंगे। जस्ट फॉर 5 मिनट। जी जो भी हम लोग के ऑब्जर्वेशन रहे पिछले 5 मिनट पे, उस पर हम लोग बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं हैंड रेस करके। नमस्ते। भानु भैया नमस्ते, सभी को नमस्ते। भैया ऑब्जर्वेशन में तो समाधानित होती हूँ मैं, क्योंकि ये मेरा फोर्थ बैच है और फोर्थ बैच में जो मेरी पहली स्थिति थी उस स्थिति से तो मैं बहुत ज्यादा अब बेटर अपने आप को देख रही हूँ। और ये सब UHV के ही माध्यम से हो पाया है कि मैं सेल्फ को एब्जॉर्ब करती हूँ और अपने आप को समाधानित पाती हूँ, क्योंकि उस समाधानित पाने में जो मेरे कॉन्शियस को सही समझ आती है वही मैं निर्णय ले पाती हूँ। इससे मेरे जो संबंध है, पारिवारिक संबंध, उसमें बहुत सुधार हुआ है। तो हो सकता है कि अगर मैं UHV ना करती होती तो ये भी समाधानित नहीं होता, तो मैं बिल्कुल भी अवस्था में नहीं होती। ये तो पक्का है कि ये सब मैं UHV के माध्यम से ही कर पाई। और सर मेरा प्रश्न ये है कि हम आपने कल जब बताया कि पूरे अस्तित्व 99 पॉइंट समथिंग समाधानित है, अपने आप में व्यवस्थित है, हार्मनी ऑलरेडी बनी हुई है और मनुष्य के कॉन्शियस में भी हार्मनी ऑलरेडी है, तो वो उसको ध्यान में नहीं रखता। तो यहाँ पर पोटेंशियल तो समझ आता है, पर पर्पस और प्रोग्राम में और राइट इवेल्युएशन के साथ हम इसको कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, तो इस चीज का अगर थोड़ा सा पॉइंट समझ आ जाए तो क्लैरिटी होगी मेरे को कि हम प्रोग्राम या प्रकृति में अपनी भागीदारी के लिए बनाएंगे या फिर जड़ और जो चैतन्य है, चैतन्य और चैतन्य जो एक दूसरे के साथ है वो सेम है, इसको अगर हम समझ लेते हैं तो हम अपना राइट इवेलुएट कर पाते हैं। तो इसमें बस पर्पस और प्रोग्राम को अगर थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाए तो ये पूरा पॉइंट मेरे को समझ आता है सर, प्लीज। जी, तो 3 बातें हैं दीदी आपके शेयरिंग में। एक तो जो भी आपने अभी तक अपना एक्सपीरियंस अपने भीतर देखा है पिछले 3-4 बैचेस से, उसको शेयर किया आपने। दूसरी बात ये जी कि हम लोगों ने ये चर्चा किया कि अगर पूरे एग्जिस्टेंस को देखें तो अनंत इकाइयां हैं, 4 अवस्थाओं में उसको वर्गीकृत करके हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसको जब अपने भीतर ध्यान दे के देखते हैं तो अस्तित्व व्यवस्था और संबंध को देख पा, तो जंगल व्यवस्थित दिखाई देते हैं, पहाड़ व्यवस्थित दिखाई देते हैं, नदियां व्यवस्थित दिखाई देती हैं, मेजोरिटी ऑफ हिस्सा हमको व्यवस्थित दिखाई देता है। आदमी को जब देखने आते हैं तो आदमी की कल्पनाशीलता में कई बार हार्मनी अपने में देखते हैं, कई बार डिसहार्मनी देखते हैं। तो हमारे भीतर हमारी कल्पनाशीलता में हार्मनी भी दिखाई देती है, डिसहार्मनी भी दिखाई देती है। तो उसको उसके बैकग्राउंड में जाते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि हमारी जो कल्पनाशीलता है, या तो मान्यता से या संवेदना से या सहज स्वीकृति से, ये 3 जगह से गाइड होती है। अगर संबंध व्यवस्था शास्त्री तो जिसकी कि हमको सहज स्वीकृति है, अगर उससे गाइड हो रहा है कल्पनाशीलता, तो 100% इसमें भी हार्मनी होती है। तो उसका जो कनेक्टिंग पॉइंट है वो तो पर्पस के रूप में यही है कि हम भी हार्मनी में आ जाएं,
पूरे अस्तित्व के में जिस तरह से व्यवस्था है ना, एक अंतर संबंध है। हम उस अंतर संबंध को समझकर, अंतर संबंध पर ध्यान देकर, इस पूरे व्यवस्था को समझकर, इस अस्तित्व को अपने में रियलाइज करके, हम भी अपनी कल्पनाशीलता को संबंध व्यवस्था और हार्मनी के अर्थ में सुनिश्चित कर लें। ये एक मुख्य काम अपने भीतर दिखाई देता है। तो ये प्रोग्राम है, पर्पस तो कंटिन्यूटी ऑफ हार्मनी के साथ जीना है, और उसका प्रोग्राम भी यही है कि हम संबंध व्यवस्था अस्तित्व को समझकर अपने भीतर और अपनी कल्पनाशीलता को वैसा व्यवस्थित कर लें। इसी काम को अब हम लोग छोटे छोटे स्टेप्स में अभ्यास करके कर रहे हैं, और एक बार अपने में ऐसा सुनिश्चित हो जाए तो बाहर दूसरे आदमी के साथ, दूसरे चैतन्य के साथ व्यवहार में व्यक्त होना, शेष प्रकृति के साथ कार्य में व्यक्त होना, ये जितनी बड़ी व्यवस्था है इसमें व्यवस्था के अर्थ में भागीदारी करना, ये सब भी उसका भाग है। तो मुख्य काम भीतर होना है, संबंध व्यवस्था से अस्तित्व को समझकर वैसा अपनी कल्पनाशीलता को व्यवस्थित करना, और वैसा करते हुए बाहर दूसरे चैतन्य के साथ व्यवहार में उस भाव को व्यक्त करना, शेष प्रकृति के साथ कार्य में व्यक्त होना, और व्यवस्था में भागीदारी करते हुए व्यक्त होना। इतना देखेंगे तो प्रोग्राम है। जी धन्यवाद सर, बिल्कुल बिल्कुल सही समझ आ रहा है कि प्रोग्राम हमारा अवस्था और अपने संबंधों को देखते हुए व्यवहार और कार्य में अपने आप को एक्सप्लोर करना और अपने इमेजिनेशन में उस अवस्था को बनाए रखना, यही हमारा पर्पस है और यही प्रोग्राम है। जी सर सही है ना, जी, परस्परता को समझते हुए। जी 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 सभी को नमस्ते भैया, आपको भी नमस्ते नमस्ते, भैया, बाबा नमस्ते जी के भैया। प्रति कृतज्ञता। जी अभी जो कहा गया कि चारों अवस्थाओं का जो परस्परता में किस तरह का सजा हुआ है, और तो सभी ये जो शून्य में संपृक्त है, तो वो मैंने जब देखने का प्रयत्न किया तो ध्यान में आया कि चार अवस्था जो कही गई, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था, तो पदार्थ अवस्था में जो पानी है वो इसमें की फैक्टर है। चारों अवस्थाओं को सजने के लिए पानी ही मूलभूत जो है, इसकी वजह से सब हुआ है, ऐसा मुझे मेरे ध्यान में आया। दूसरा ये ध्यान में आया कि बाकी की तीन अवस्था है वो अपने धर्म और आचरण में सुनिश्चित है, उसका जो धर्म है वो छोड़ती नहीं, और इसलिए वो तीनों अवस्था व्यवस्था में है, आवर्तनशीलता में है। मगर चौथी जो ज्ञान अवस्था है वो उसका धर्म तो उसको समझती है, उसका सुख धर्मी है, मगर वो सुखी होने का उसका तरीका है, वो तरीका में वो उलझा हुआ है, इसलिए पूरी प्रकृति बाकी की तीनों अवस्थाओं के साथ भी वो गड़बड़ कर रही है। अगर ये हो जाए तो सब पूरे पूरा हार्मनी में आ जाए, ऐसा मेरे ध्यान में आया। धन्यवाद। जी भैया, और उसके लिए चैतन्य इकाई को अपने पे ध्यान देना एक प्रमुख काम है। अपनी कल्पनाशीलता पर ध्यान देना, कल्पनाशीलता का स्रोत क्या है, संबंध व्यवस्था और सहित की स्पष्टता जो हमको हुई है वो स्रोत है, या उस पर ध्यान दिए बगैर मेरी मान्यता और मेरी संवेदनाएं मेरी कल्पनाशीलता का निर्धारण कर रही है। वहां पर जब हम ध्यान दे पाते हैं तो हमारी कल्पनाशीलता भी, जो हमारा निरंतर सुख धर्म है, निरंतर सुख की चाहना है, शर्त में व्यवस्थित हो पाती है। जी भैया धन्यवाद भैया। तो हम लोग चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक जो बेसिक चर्चा थी अभ्यास को शुरू करने से पहले उसको पूरा किया, उसमें मूलतः हम लोगों ने यह समझने का प्रयास किया कि सुख हमारा स्वभाव है या प्रभाव, प्रभाव से सुखी होने के लिए क्या क्या हम कर रहे हैं, पर स्वभाव जो हमारा सुख है उसका क्या आशय है और उसको सुनिश्चित करने की क्या क्या प्रक्रिया है, उस पर समझने का प्रयास किया, उसको समझने का। उस क्रम में आगे बढ़े तो ये ध्यान में आया कि
प्रभाव से सुखी होने के अर्थ में सुविधा का एक महत्वपूर्ण रोल हो जाता है, लेकिन उससे सुख की कंटिन्यूटी नहीं हो पाती। स्वभाव से सुखी होने के क्रम में इस बात पर ध्यान गया कि स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व तक की व्यवस्था को समझना, उसमें अपनी भागीदारी को समझना, वैसा अपना भाव विचार सुनिश्चित करना, ये हमारे निरंतर सुखी होने के लिए कार्यक्रम। उस अर्थ में हम लोगों ने अपने को और इस पूरी अस्तित्व को समझने का काम किया। उसमें हमारी क्या निश्चित भागीदारी है, उसको भी धीरे धीरे समझने का काम किया है और आगे भी करेंगे। एक तरह से हम लोगों ने अभी तक अपने को समझने का, अपने में भी चैतन्य को समझने का, चैतन्य में भी B1 B2 ब्लॉक को समझने का, और B1 ब्लॉक में भी अनुभव बोध और चिंतन की क्रिया में जागृत होने का, संबंध व्यवस्था और अस्तित्व को समझने का काम किया। उस क्रम में पूरी प्रकृति पर ध्यान दिया, पूरे अस्तित्व पर ध्यान दिया, पूरे अस्तित्व में इकाइयां और शून्य पे ध्यान दिया, चार तरह की अवस्थाओं पर ध्यान दिया। तो एक तरह से हम लोगों ने अपने को और पूरे अस्तित्व को समझने का कुछ प्रयास किया पिछले 25 दिनों में। अब हम लोग इससे जुड़े हुए जो अभ्यास है उसको शुरू करें। तो मुख्य काम तो अभ्यास में भी यही है कि अपने पर ध्यान देना, पूरे अस्तित्व पर ध्यान देना, अपने में पूरे अस्तित्व में जो संबंध है, व्यवस्था है, अस्तित्व है, उस पर ध्यान देना, उसको समझना, तो वैसा अपना भाव विचार सुनिश्चित कर लेना, और फिर वैसा बाहर व्यवहार कार्य व्यवस्था में जारी करते हुए जीना। अभ्यास तो इसी चीज का करना है, ये अपने पर पूरे अस्तित्व पर ध्यान देकर संबंध व्यवस्था और अस्तित्व को समझना, और संबंध व्यवस्था अस्तित्व के अर्थ में अपने भाव विचार को सुनिश्चित करना, तो वैसा बाहर व्यवहार कार्य करते हुए जीना, इतने का ही हम सबको अभ्यास करना है। इसी अभ्यास को करने के लिए तब हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो स्लाइड का अगर हेडर देखेंगे तो उसमें एक लाइन लिखा है लक्ष्य के बारे में। तीन बातें लिखी हैं लक्ष्य को लेकर, कि हमारा लक्ष्य जीना है, या हमारा लक्ष्य तृप्ति पूर्वक जीना है, या हमारा लक्ष्य निरंतर तृप्ति पूर्वक जीना है। तो हमारा लक्ष्य सिर्फ जीना है, या हारमोनी पूर्वक जीना है, या निरंतर हारमोनी पूर्वक जीना है। हमारा लक्ष्य जीना है या सुख पूर्वक जीना है, या निरंतर सुख पूर्वक जीना। आप लोगों को क्या लगता है, तीनों में से क्या लक्ष्य है? जीना, तृप्ति पूर्वक जीना, या निरंतर तृप्ति पूर्वक जीना। तो अगर इसको देखने जाते हैं तो अपने से पूछ के देखते हैं कि हमको क्या स्वीकार है, सहज स्वीकार है तीनों में से, सिर्फ जीना या तृप्ति पूर्वक जीना या निरंतर तृप्ति पूर्वक जीना। पूछ लेते हैं क्या साथी लोग जिनका हैंड रेज है। नमस्ते भैया। नमस्ते। भैया हम चाहते तो निरंतर तृप्ति पूर्वक जीना ही है, लेकिन जी, तो इसको देखने जाए तो निरंतर तृप्ति पूर्वक जीना और जीने में अगर देखने जाते हैं तो जीने पर अगर फोकस है तो जीना तो थोड़ा सुविधा जुटा के, सुविधाओं पर काम करके हो पाता है। तृप्ति पूर्वक जीने के लिए तृप्ति को समझना महत्वपूर्ण है। निरंतर तृप्ति पूर्वक जीने के लिए निरंतर तृप्ति क्या है, किन सोर्सेस से होगा, क्या प्रक्रिया होगी, ये सबको समझना जरूरी है। तो तृप्ति क्या है, निरंतर तृप्ति का निरंतर तृप्ति क्या है, ये किन सोर्सेस से होगा, उसकी क्या प्रक्रिया होगी, इसको समझे बगैर तो निरंतर तृप्ति पूर्वक जीना हो नहीं सकता। तो उसको समझने जाते हैं कि निरंतर तृप्ति पूर्वक जीने के लिए तो क्या मुख्य काम है जो अपने भीतर करना है। तो ये ध्यान जाता है कि निरंतर तृप्ति पूर्वक जीने के अर्थ में तीन चीजों का अभ्यास आवश्यक है। मूल रूप मूलतः अगर देखें, पहला सही समझने का अभ्यास, दूसरा सही भाव विचार कर लें उसका अभ्यास करना, और तीसरा जो भी हमको सही समझ में आया है, जो भी हमारा सही भाव विचार हुआ है, तो वैसा परस्परता में जीना। तो निरंतर तृप्ति पूर्वक जीने के लिए ये तीन
तीन अभ्यास जरूरी लगते हैं। पहला सही को समझना, दूसरा सही भाव विचार कर लेना अपना, तीसरा सही समझ सही भाव विचार के आधार पर बाहर परस्परता में सही जीना। हम अपने में जांच के देख लें इस बात को आगे बढ़ने से पहले कि निरंतर तृप्ति पूर्वक जीने के लिए ये तीनों के तीनों अभ्यास जरूरी हैं या इन तीनों में किसी को हम छोड़ सकते। निरंतर तृप्ति पूर्वक जीने के लिए सही समझना, सही भाव विचार को सुनिश्चित करना और परस्परता में सही समझ सही भाव विचार के साथ व्यक्त होना, एक्सप्रेस होना, ये तीनों ही जरूरी है या तीनों में किसी को छोड़ा जा सकता है। चैट विंडो में, चैट बॉक्स में रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ। एक आध लोगों के रिप्लाई आए हैं, तीनों जरूरी है। बाकी लोगों को क्या लगता है, ये तीनों जरूरी हैं या तीनों में किसी को छोड़ा जा सकता है? अगर तीनों जरूरी है चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, या एक दो जरूरी है वो भी रिप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे रिप्लाई चैट बॉक्स में देखने को मिल रहा है। तो आप सबका भी ऑब्जर्वेशन है कि तीनों जरूरी है, ऑल थ्री आर रिक्वायर्ड। अब अगर उसको एक्सप्लोर करते हैं तो ये बात ध्यान में आती है कि सही समझने का क्या आशय है, क्या सही समझना है। तो स्वयं को सही सही समझना, तो इस एंटायर एग्जिस्टेंस को सही सही समझना, तो अपने से लेकर के संपूर्ण अस्तित्व तक को सही समझना। एक बार ये समझ में आता है तो ये ध्यान जाता है कि पूरे अस्तित्व में, पूरा अस्तित्व सअस्तित्व है, पूरे अस्तित्व में व्यवस्था है, सअस्तित्व है, व्यवस्था है, और ये सभी इकाइयां आपस में अंतर संबंधित है। तो पहला बिंदु पे जब हम समझने का काम करते हैं अपने से लेकर एंटायर एग्जिस्टेंस तक, तो निष्कर्ष के रूप में पूरे अस्तित्व को और अपने पर ध्यान देके ये बात निकल के आती है कि सअस्तित्व है, व्यवस्था है, संबंध है पूरे अस्तित्व में। जब ये बात ध्यान में आती है तो फिर हम अपने कल्पनाशीलता में जो चल रहा है उस पर भी ध्यान पहले भी दे रहे थे, आप फिर देना शुरू करते हैं। तो पूरा अस्तित्व में एक संबंध है, व्यवस्था है, सअस्तित्व है। मेरी कल्पनाशीलता भी संबंध, व्यवस्था और सअस्तित्व के अर्थ में ही चल रही है या इसमें विरोध, अव्यवस्था और संघर्ष चल रहा है? तो जब मैं अपने भीतर ध्यान देता हूँ तो पाता हूँ कि कई बार संबंध, व्यवस्था, सअस्तित्व भी चल रहा है, कई बार विरोध, अव्यवस्था और संघर्ष के लिए भी मैं कल्पनाशीलता, मान्यतावश या संवेदनावश, या ध्यान देने के ना ध्यान देने के कारण वो मेरे भीतर चल रहा है। तो फिर दूसरा महत्वपूर्ण अभ्यास अपने भीतर शुरू करता हूँ कि स्वयं से लेकर अस्तित्व तक को समझने की प्रक्रिया में जो मेरा ध्यान संबंध, व्यवस्था और सअस्तित्व पर गया है, मेरा अपना भाव विचार भी संबंध, व्यवस्था, सअस्तित्व के अर्थ में ही हो जाए। तो मेरा अपना भाव विचार संबंध, व्यवस्था, सअस्तित्व के अर्थ में हो सके उसका मैं अभ्यास शुरू करता हूँ। इस बात का भी अभ्यास साथ साथ करता रहता हूँ कि ये जो भी मेरे भीतर मेरे कल्पनाशीलता में संबंध, व्यवस्था, सअस्तित्व का भाव विचार सुनिश्चित हो रहा है, उसको दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार में व्यक्त कर सकूं, शेष प्रकृति के साथ कार्य में व्यक्त कर सकूं, व्यवस्था में भागीदारी कर सकूं, तो उसको बाहर एक्सप्रेस भी करता। तब दूसरा व्यक्ति व्यवहार में मेरे साथ जो मेरा एक्सपेक्टेशन है वैसा व्यवहार नहीं कर रहा, दूसरा व्यक्ति इरिटेट हो रहा है, दूसरा व्यक्ति अपोजिशन में जा रहा है, दूसरा व्यक्ति अपमान के भाव से व्यक्त हो रहा है, तो अब मेरा जो व्यवहार है उसके द्वारा किए गए व्यवहार से गवर्न नहीं होता, बल्कि मैंने जो स्वयं से लेके अस्तित्व तक को समझा है उसमें जो मुझे संबंध, व्यवस्था और सहअस्तित्व दिखा है उसके आधार पर जो मैंने अपने भाव विचार को संबंध, व्यवस्था और सहअस्तित्व के अर्थ में किया है, अब मेरा व्यवहार, मेरे समझ और मेरे भाव विचार में जो मैंने निर्णय बनाया है उसके अनुसार मैं तय करता हूँ, ना कि दूसरे व्यक्ति के किए गए व्यवहार के आधार पर अपना व्यवहार तय करता हूँ या अपना भाव विचार तय कर। तो उस अर्थ में मैं दूसरे के द्वारा किए गए व्यवहार का आकलन करूंगा, उसको रीड करूंगा,
उससे मेरा निष्कर्ष बनेगा कि अपमान के भाव से प्रस्तुत हो रहा है ना, ये विरोध के भाव से प्रस्तुत हो रहा है। उससे मेरा ये भी निष्कर्ष बनेगा कि ये जो बाहर अपमान और विरोध का भाव व्यक्त कर रहा है ये आदमी, ये तो बहुत छोटा हिस्सा है बाहर निकल रहा है उसकी उसके अंदर से, उसका कई गुना अधिक तो उसकी कल्पनाशीलता में पक रहा है, और विरोध का, अपमान का, द्वेष का, और उससे वो खुद बेचैन है, खुद परेशान है। उस बेचैनी और परेशानी के साथ कुछ भाव विचार उसका वैसा निकल रहा है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने अपने पर अपने अपने पर इस पूरे अस्तित्व पर ठीक से ध्यान नहीं दिया है, उसको संबंध व्यवस्था और सअस्तित्व अपने भीतर दिखा नहीं है, और उसके अनुसार उसने अपने भाव विचार को ठीक नहीं किया है, इसलिए वो बेचैन है और अपनी बेचैनी को बाहर रोक निकलने से रोक नहीं पा रहा है। तो अब मैं उस व्यक्ति का पूरा आकलन करूंगा, और उस प्रक्रिया में भी मेरे को जो संबंध व्यवस्था सहित तो अपने भीतर स्पष्ट हुआ है, वही मेरे भाव विचार को सुनिश्चित करने का सोर्स होगा, और वैसा ही मैं बाहर व्यक्त होता हूँ। तो एक तरह से ये परस्परता में व्यक्त होने का अभ्यास भी हम करते रहते हैं। शेष प्रकृति के साथ जब कार्य कर रहे हैं तो शेष प्रकृति का एक तरह से संवर्धन हो, शेष प्रकृति का संरक्षण हो, शेष प्रकृति का सदुपयोग। तो जो भी वस्तुएं हमने घर में संग्रहित पहले से कर रखी हैं, लकड़ी का सामान, कपड़ा, भोजन, तमाम तरह की वस्तुएं, तो हमारा ध्यान कई बार इस पर जाता है कि ये कम है, ये कम है, ये कम है, इस पर भी जाता है कि इतना सारा इकट्ठा है, इस पर भी जा सकता है कि अब ये जो इकट्ठा है उसका सदुपयोग कितना हो पा रहा है। अभी हम तीनों पर है ना शेष प्रकृति के साथ इंटरेक्ट करते हुए ध्यान देना शुरू करेंगे कि जो भी वस्तु हमारे पास उपलब्ध है उसका सदुपयोग भी जरूरी है, उसका संरक्षण भी जरूरी है, जो कम है उसका संवर्धन भी करना है, बढ़ाना भी, तीनों महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो 10 साल से वस्तुओं को घर में जमा करके रखने का क्या मतलब, और अगर सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो 4 चीजें और खरीद कर लाने का मतलब क्या है। तो ये ध्यान जाता है कि वस्तुओं को बढ़ाना अर्थात संवर्धन करना और संरक्षण करना, इन दोनों से ज्यादा महत्वपूर्ण है सदुपयोग को करना। तो जो भी कपड़े मेरे पास इकट्ठे हैं, जो भी संसाधन मेरे पास इकट्ठा है, मैं उसका सदुपयोग कर पा रहा हूँ कि ठीक इसी तरीके से जहां मैं रह रहा हूँ, 20 परिवार, 50 परिवारों का एक समूह होगा, मैं अपने परिवार की व्यवस्था के साथ साथ आसपास भी व्यवस्था हो सके, व्यवस्था अर्थ में अपनी भागीदारी को पहचानने का प्रयास कर रहा हूँ कि नहीं, उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं, उस पर क्या एक्टिविटी कर सकता हूँ उस अर्थ में, उस पर काम कर रहा हूँ कि नहीं, जहाँ मेरा ऑफिस है, जहाँ मेरा कार्यस्थल है, वहां पर मैं संबंध को, व्यवस्था को ध्यान देकर वहां पर भी एक व्यवस्था के अर्थ में भागीदारी का कुछ प्रोग्राम बना पा रहा हूँ कि नहीं, ये सब मैं अब अपने भीतर रिफ्लेक्ट करके इसका अभ्यास करना शुरू करूँ। तो जो भी 10-20 में लोग मेरे साथ आश्वस्त हैं, उनका ध्यान अपने पर जाए और अपने को चैतन्य और जड़ दोनों के अस्तित्व के रूप में समझ पाए। पूरा अस्तित्व सिर्फ मटेरियल नहीं है बल्कि उसमें स्पेस भी है और इकाइयां भी है, जड़ और चैतन्य दोनों तरह की इकाइयां हैं, ये संपूर्णता लोगों के ध्यान में आ सके उस अर्थ में चर्चाएं करूंगा। चर्चा तो होती ही रहती है ट्रेन में जाते समय, बैठते समय, इधर उधर घूमते समय, लेकिन मैं ध्यान दूंगा कि वो चर्चा सिर्फ जड़ पर फोकस है या जड़ और चैतन्य दोनों पर फोकस, सिर्फ जड़ चैतन्य पर फोकस है या जड़ चैतन्य और स्पेस तीनों पर फोकस। तो जो भी चर्चा में अधूरापन होता है, जिसके कारण क्योंस मचता है, वहां पर मैं सारी पूर्णता को जो मेरे ध्यान में आई है उसको उसके साथ जोड़कर एक पूर्णता का भास आभास कराने का प्रयास करता हूँ। इसके लिए अकेले भी कुछ कार्यक्रम बना सकता हूँ, 2-4 साथी जो इस क्रम में लगे हैं मिलजुल करके भी कुछ काम शुरू कर सकते हैं, बट व्यवस्था में कुछ भागीदारी का अभ्यास शुरू करते हैं। तो एक तरह से ये तीनों काम हम कर सकते हैं और तीनों के अभ्यास को शुरू कर सकते हैं एक एक करके। तो तीन अभ्यास जो हम लोगों ने चिन्हित किए कि स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व तक को ध्यान देकर समझने का काम,
उसमें संबंध व्यवस्था और अस्तित्व को देख पाने का था, तो वैसा अपने भाव विचार को सुनिश्चित करने का था और फिर उसको बाहर दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार में, शेष प्रकृति के साथ कार्य में और व्यवस्था में भागीदारी करने के रूप में बाहर व्यक्त करने का अभ्यास। ये तीनों अभ्यास को क्रम से हमको करने की आवश्यकता है। उस पर अब आप लोगों को जो भी ऑब्जर्वेशन और प्रश्न है उस पर बात करते हैं। नमस्ते जी नमस्ते नन भैया जी। नमस्ते जी। भैया ये बोलिए। जो अभी हाँ तो जी भैया अभी जो ये आपने जो बोला था ये तीनों आवश्यक है, तो फिर मैंने जब लिखा था कि तीनों आवश्यक तो है, बट ये जैसे ये मेरा पांचवा मॉर्निंग सेशन है, छठवा मॉर्निंग सेशन है, तो जैसे पहला जो है सही समझना और स्वयं से लेकर वो अस्तित्व का जो है ये देख पाते हैं कि इसको इसकी निरंतर प्रक्रिया शुरू है और ये बहुत ज्यादा हमारे ही नियंत्रण में है। पहला समझने की प्रक्रिया हमारी अपने स्तर पर चल रही है तो वो काम अच्छा चल रहा है। बट ये दूसरा और तीसरा जो है सही भाव और विचार करना जो है, तो इसमें कैसा होता है मॉर्निंग सेशन में जैसे हम लोग एकदम पॉजिटिव हो जाते हैं, अपने सारी चीजों की तरफ ध्यान जाना शुरू हो जाता है, पर दिन भर अपने भाव के तरफ जैसे भाव और विचार की तरफ जैसे जैसे ध्यान जाता है, तो फिर हम जैसे घरों में हमारे परिवार के सभी सदस्य अभी यूएचपी के नहीं है या कॉलेज में नहीं है या सोसाइटी में नहीं है, तो उनके साथ में जैसे व्यवहार में कभी ना कभी ऐसे जैसे कॉलेजेस में सब लोग एमबीए करो एनबीए करो रैंकिंग करो, मतलब यहाँ सब जगह कंपटीशन के लेवल पे काम होता है, हम एक्सेलेंस के लेवल पे काम करते हैं, तो वहाँ हर वक्त हम लोग कैसे मतलब हमारा जो मूल सुबह का भाव है वो बाद में कब बदल जाता है हमको पता ही नहीं चलता। मतलब कई बार ऐसा होता है फिर ध्यान तो जाता है जैसे जैसे मॉर्निंग सेशंस बढ़ रहे हैं अभी कि अरे वहाँ हमारा भाव बिगड़ गया था, मतलब हम अपनी जो मूल विचार करने की प्रवृत्ति से थोड़ा सा हटके और किसी सिस्टम जो प्रिवेलिंग सिस्टम है उसी के हिसाब से काम करने लग गए थे, और फिर उस सिस्टम में काम करते करते तुरंत हमारा भाव भाव की तरफ ध्यान जाता है कि अरे हम तो इस भाव में रहने की बात कर रहे थे, हम फिर से कंपटीशन के भाव में आ गए, फिर से ये बोल रहे कि यहाँ जाके एडमिशन करो वहाँ जाके एडमिशन करो वहाँ जाके बताओ कि हम बहुत श्रेष्ठ है बाकी वो श्रेष्ठ नहीं है, इस तरह की जो। बट ये अभी समझ में आ रहा है कि जितने बार मॉर्निंग सेशन हो रहे हैं उसमें इस भाव की तरफ ध्यान जाना और उस भाव को ठीक करना ये प्रक्रिया अभी बहुत अच्छे तरह से होने लगी है। और भैया तीसरा जो है परस्परता में सहअस्तित्व में कि इसके लिए फिर अब जैसे जैसे हमारे एफडीपीज में या हमारे इसमें जैसे हमारे तरह से सोचने वाले कुछ लोग है ज्यादा, तो उनके साथ में हम इस दिशा में बहुत ही कंफर्टेबली अपनी चीजों को शेयर कर पाते हैं, तो वो भी धीरे धीरे हम अभी मतलब जैसे हमारे नागपुर में जितने भी यूएचवी के माध्यम से तीन चार पांच सेशन मॉर्निंग सेशन में जिन्होंने कर लिया है, ऐसे हमने एक 10-12 लोगों का ग्रुप बना लिया है, उसमें फिर मतलब केवल इसी से संदर्भ में कोई अच्छी चीज हमने की है, मतलब अपनी भागीदारी को थोड़ा सा बताने वाली चीज है अपने आप में थोड़ा सा ठीक किसी ने किया है तो उसको शेयर करने के लिए वहाँ हम लोग करते हैं, तो इससे जा रहा है भैया ध्यान। बट वही बात यही रखनी थी कि ये तीनों में से पहला अपने हाथ में है और दूसरा और तीसरा ऐसे लगता है कि जैसे हम लोग हमारे जैसे समविचारी बहुत ज्यादा लोग जितने हम कर पाएंगे या जितने लोगों में रह पाएंगे उन तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे, तो वो धीरे धीरे फिर दो और तीन में भी हम निरंतर तृप्तिपूर्वक जीने के अर्थ में हम लोग रह पाएंगे। नहीं तो अभी फिलहाल क्या हो गया कि अभी 90% 95% लोग तो मतलब हमारे जैसे नहीं है या जिस तरह से नहीं सोचते हैं, तो वहाँ हमारे भाव फिर कई बार बिगड़ते हैं, जीना भी हमारा फिर थोड़ा सा मतलब बदल जाता है। बट ये अच्छा है कि मॉर्निंग सेशन का उपकार ये है कि बार 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 कर रहे हैं रोज सुबह कर रहे हैं, तो रोज सुबह हम लोग पूरी तरह से फिर ये तैयार हो जाते हैं कि अरे वहाँ हमारा थोड़ा सा हम बह गए थे उसमें तो उसको ठीक करना है, तो इस तरह से ये तीनों चीजें लग रही है भैया ध्यान जा रहा है। तो जी भैया इतना ही बताना था। जी। अच्छा है भैया, इसमें बस एक दो बातें मैं ध्यान दिला सकता हूँ। तो ये कि ये बात तो ठीक है कि सुबह जब हम घंटा 2 घंटा अपने पर
अत्यधिक ध्यान देते हैं तो जितनी गहराई से अपने समझ पर अपने भाव विचार पर ध्यान जाता है, दिन की गतिविधियों में जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो एक फ्लो बन जाता है और कई बार हम अपने पर ध्यान नहीं दे पाते और ये नहीं हमको पता चल पाता कि जो हमने समझा है वैसा ही मेरा भाव विचार और व्यवहार चल रहा है, या बाहर के प्रभाव में हम रहकर क्या भाव भाव विचार बना लिए, क्या व्यवहार कर दिए वो पता ही नहीं चल रहा है। जी तो ऐसे में कुछ प्रोग्राम ऐसे बना सकते हैं अपने लिए जिसमें कि दिन भर की एक्टिविटी में भी बीच बीच में अपने पे ध्यान देने का काम हो सके। तो जैसे हम लंच के समय में कुछ तय कर सकते हैं कि 40-50 मिनट का हमारे पास लंच है तो 5 मिनट हम अपने पर ध्यान देने का काम करेंगे। शाम को विद्यालय से कॉलेज से बाहर निकलते समय, कॉलेज से बाहर छोड़ते समय 5 मिनट पहले अपने पर ध्यान देकर फिर बाहर निकलेंगे, है ना। फिर बीच में अगर एक लेक्चर हो गया है दूसरे लेक्चर से बीच में थोड़ा गैप है और मैं लेक्चर प्रिपेयर कर रहा हूँ, लेक्चर प्रिपेयर करके लेक्चर जाने से पहले 3 मिनट 4 मिनट में अपने पर ध्यान दूंगा, अपने भाव विचार पर ध्यान दूंगा, फिर लेक्चर लेने जाऊंगा, लौट के आकर के फिर अपने भाव विचार 2-3 मिनट ध्यान दूंगा कि मेरा भाव विचार अभी कैसा है, पहले कैसा था। इस तरह से छोटे छोटे स्टेप्स दिन में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं तो और बार बार ध्यान अपने पे जा सकता है। फिर जी तो बिल्कुल धीरे जी धीरे हम जी जो काम कर रहे हैं उसको करते हुए ही हमारे भाव विचार पर ध्यान बना रहे, धीरे धीरे पहुंचना तो वहां है, लेकिन जब तक वहां नहीं पहुंचे हैं वो छोटे छोटे स्टेप कर सकते हैं। बाकी आप लोग जो इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, मिलजुल करके कुछ अभ्यास और कुछ प्रयास कर ही रहे हैं, वो एक महत्वपूर्ण बात है ही। जी 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 भैया जी, धन्यवाद जी। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। नमस्ते नमस्ते। अभी जो भैया ने बताया उसको थोड़ा आगे बढ़ाऊं वही लाइन में, तो जो हमारी पुरानी मान्यता की वजह से हम ड्रैग हो जाते हैं, तो जो समझदारी के साथ जो भाव निभाना है और उसका जो मान्यता नई मान्यता जो करनी है वो समझदारी के साथ करनी है, तो वो प्रोसेस में मुझे ऐसा लगता है कि जो पुरानी मान्यता है उसके नीचे दब जाती है, जो कभी कभी बाहर आ जाती है, तो उसको इरेज करने के लिए कुछ ऐसा प्रोसेस है क्या, या उसके बारे में कुछ जी और जी प्रकाश डालेंगे? जी जी ये बात तो ठीक ही कह रहे हैं कि आप कि शुरू में जब हम संबंध व्यवस्था से अस्तित्व पर ध्यान देते हैं तो जो हमारी पुरानी मान्यताएं हैं वो उसके नीचे दबी रहती हैं, बीच बीच में जब बाहर उस तरह की परिस्थिति बनती है तो उभर उभर के आती हैं और फिर कई दिन तक तंग करती है। तो इस प्रक्रिया का तो अपने भीतर थोड़ा लंबा करना पड़ता है कि जैसे जैसे हमको संबंध व्यवस्था से अस्तित्व समझ में आ रहा है और उस समझ के आधार पर हम अपने भाव विचार पर ध्यान दे रहे हैं तो हमको बहुत सारी मान्यता अपने भीतर दिखने लगती है और बहुत सारी दबी रहती है जो इमीडिएट नहीं दिख रही होती है, लेकिन अनुकूलता या प्रतिकूलता आने पर वो उभर के आती है। इसलिए हम अपने भीतर सजगता को बनाए रखें और देखें कि हमारे अंदर इस समय कौन कौन सी मान्यताएं ऑपरेटिव हैं, जो भी भाव विचार चल रहा है उसके पीछे मान्यता क्या है, और उस मान्यता को बार बार जांचें, ये जो मान्यता हमने बना रखी है ये समझ के बना रखी है या बिना समझे बना रखी। कोई भी मान्यता जब हम अपने भीतर देख रहे हैं तो इस प्रश्न को ठीक से अपने आप से पूछें कि इस मान्यता को मैंने समझ के बनाया है, जान के बनाया है, जांच के बनाया है, या बिना समझे बिना जांचे बना। फिर ये भी अपने से प्रश्न करें कि ये अगर समझ के भी बनाया है तो ये मान्यता मेरी संबंध व्यवस्था शास्त्रित्व के अर्थ में बनी है या संबंध व्यवस्था शास्त्रित्व में मुझे समझ में कुछ और आ रहा है, मान्यता कुछ और बनी। तो इस जांच को हम जितनी बार उस मान्यता को पकड़ के बार बार कर पाएंगे उतना वो मान्यता कमजोर होती जाती है और धीरे 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 फिर वो खत्म हो जाती है और उसकी जगह जो सही समझ है वैसा तो हमारा भाव विचार सुनिश्चित हो जाता है। जी बोलो। जो मतलब मान्यता निकलेगी नहीं लेकिन कमजोर हो जाएगी, और मेरा ख्याल से कमजोर होते मैं इसका होते जो फिर वो समझा खत्म, वो हाँ कमजोर होते होते फिर वो खत्म हो जाएगी। हाँ, तो लंबे समय अरसे पे वो खत्म होगी, ऐसा समझू मैं क्या? हाँ बहुत अगर गहरी मान्यता है तो उसका मतलब यह है कि एक मान्यता से के बैकग्राउंड में जुड़ी हुई 10ों मान्यताएं हो सकती है। तो जब तक उससे हाँ बाकी सही है, कनेक्टेड मान्यताओं का भी मैं मूल्यांकन नहीं कर लूंगा वो जड़ से खत्म नहीं है, वो फिर पनपने लगता है। स्पेशली जो छोटी एज पे जो मान्यता बैठ गई है वो बहुत डीप जी रहती जी है, तो मुझे हाँ लगता है उसमें हर उसमें
और हर मान्यता के ऊपर कई मान्यताएं बिल्डिंग बिल्डअप होती चली जाती है। अब आप ऊपर के सरफेस की मान्यता को डील करना चाहते हैं, लेकिन उसके जड़ में कई मान्यताएं हैं, 10 मान्यताएं 20 मान्यताएं हो सकती है। तो जब तक एक एक जड़ को खोद के लास्ट मान्यता तक को मैं डील नहीं कर देता, तब तक वो पनपता रहता है डील। हाँ, उसको कमजोर करके निकालने के लिए मैं जो समझाऊं तो लॉन्ग रन का अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। एम आई राइट? जी हाँ, भैया, जो पेशेंस समझने के का साथ काम वर्क करने। जी, जी मान्यता के जी ठीक से जांचते रहे, उसके जड़ में कौन सी मान्यता है उसको जांचते रहे, तो धीरे धीरे वो साफ। तो लंबी प्रक्रिया तो है भैया, हम सबको उससे गुजरना है। जी धन्यवाद भैया नमस्ते। नमस्ते। सभी को नमस्ते भैया। ये जो अभ्यास में जो तीन वो आपने जो पॉइंट दिए हैं, सही समझना, सही भाव विचार करना, सही जीना परस्परता में, तो इसमें एक मेरा ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन इस तरीके से है कि जब हम व्यवस्था को देखने जाते हैं तो अभी जैसा मैं देखता हूँ उसमें दो प्रकार की मुझे दिखाई देती है। एक तो जो प्रकृति में सह अस्तित्व की व्यवस्था है वो दिखाई देती है, और दूसरी वर्तमान में जो आधुनिक व्यवस्था चल रही है जो मानव द्वारा निर्मित है वो भी दिखाई देती है। और दोनों को जब देखते हैं तो ये भी ध्यान जाता है कि जो वर्तमान की आधुनिक व्यवस्था है वो प्रकृति की सह अस्तित्व की व्यवस्था के विरोध में जा रही है, और उस वजह से अब ये भी कई बार प्रश्न उठता है कि मैं इसी व्यवस्था में कार्य कर रहा हूँ जो मानव की आधुनिक व्यवस्था है, तो वो सह अस्तित्व की व्यवस्था के विरोध में ही कार्य कर रहा हूँ। तो हर समय ये वाला भाव चलता रहता है कि इस तरह से कार्य करना कितना ठीक है, या कौन फिर अगर हम इस तरह के कार्य ना करें तो फिर प्रकृति के सह अस्तित्व की व्यवस्था में किस प्रकार की भागीदारी सुनिश्चित करें जिससे कि हमारी जो वर्तमान अर्थव्यवस्था है उससे उसको मैं ज़्यादा पुष्ट ना करूं। एक ये है। दूसरी चीज़ ये है कि वर्तमान में तो ये चल रही है लेकिन और भी अध्ययन पे ये दिखाई देता है कि पूरा पहले इस तरह की व्यवस्था भी थी जो प्रकृति के अस्तित्व की सहयोगी थी, तो ये दोनों चीजें दिखाई देती हैं। इस पे मेरा वही प्रश्न है कि मैं किस तरह की भागीदारी अभी करना ठीक है। तो एक चीज तो अपने को ये दिखता है कि जो तो मानव कृत व्यवस्थाएं हैं जिसको मानव ने बना रखी है, वो अपने मान्यताओं को पुष्ट करने के अनुरूप व्यवस्थाएं बना रखी है, तो उसमें बहुत जी सारा क्रॉस दिखता है। लेकिन एक हाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि कितना भी आदमी ने, है ना, विरोध के लिए, संग्रह के लिए, शोषण के लिए सिस्टम बनाए हैं, लेकिन जी आदमी का नेचुरल एक्सेप्टेंस तो संबंध व्यवस्था और अस्तित्व के अर्थ में ही बना रहता है। आदमी हाँ बिल्कुल कितना भी सही है। शोषण कर रहा हो, लेकिन ये शोषण उसको सहज स्वीकार नहीं होता। ये जो नेचुरल डिजाइन है आदमी का, है ना, वो एक महत्वपूर्ण भाग है जिस पर हम अगर ध्यान दें तो रास्ता निकल पाता है। तो चाहे घोर से घोर शोषण करने वाला आदमी, घोर से घोर द्वेष करने वाले आदमी को शोषण, द्वेष, अपमान, ये सहज रूप से स्वीकार नहीं होता। वो बताता है कि भाई ये मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि मैं एक सिस्टम में फंसा हुआ हूँ, मेरी मजबूरियां हैं, मैं कर कैसे सरवाइव करूंगा, इसलिए ये सब करना जरूरी है। 50 लॉजिक देता है लेकिन सहज रूप से स्वीकार नहीं होता। एक बात तो ये, तब उपाय क्या है वहां से बाहर निकलने का, रादर देन की उसके द्वारा की जा रही गड़बड़ियों की हम बैठ कर उसके साथ समीक्षा करें, हम सीधे सीधे उसका ध्यान उसकी सहज स्वीकृति पर दिला सकते हैं कि भाई सहज स्वीकार क्या। और जो सहज स्वीकार है उसमें से इमीडिएट में अभी कितना आप जीने का अभ्यास कर सकते हो, इतने के लिए वातावरण बन जाए तब कर सकते हो। ये हमारे लिए भी है, दूसरे के लिए भी है। हमको सहज स्वीकार तो बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, लेकिन हम इमीडिएट सबके लिए अभी अभ्यास करने नहीं उतर पा रहे हैं ना, जैसा आप बता रहे हैं। उसमें से कितना अभी हम कर सकते हैं, कितने के लिए वातावरण बन जाए तो कर सकते हैं, इसका एक आकलन कर लें। जितना आप कर सकते हैं उतना सुख करें, तो बच्चे के लिए सम्मान का भाव, स्नेह का भाव, परिवार में संबंध का भाव, व्यवस्था का, ये सब करने जाए तो कोई कठिनाई नहीं है। किसी कॉलेज में काम कर रहे हैं, किसी सिस्टम में काम कर रहे हैं, किसी ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ बहुत सारा शोषण का चल रहा है, अब अंदर से ये उथल पुथल मचती है कि भाई अब करें क्या, यहाँ तो शोषण चल रहा है, यहाँ तो जो है इस तरह का, है ना, व्यवस्था है, क्या कर। तो एक मन में भाव आता है कि भाई इसको छोड़ के कुछ अलग हट जाए, लेकिन छोड़ के अलग हट जाए तो करें क्या, किसी दूसरी व्यवस्था में जाएंगे।
कोई दूसरा दुकान खोलेंगे, बिजनेस करेंगे, वहां भी वही चल रहा है, तो क्या करें? तो उपाय ये निकलता है कि रादर देन इस तरह से हड़बड़ी में कूदफाद करने के, हम पहले अपने पर ध्यान दें और अपने भाव विचार को ठीक करें, साथ साथ जो अपने साथ लोग काम कर रहे हैं, आसपास जो अपने संपर्क में लोग हैं, उन सबके साथ इन मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा शुरू करें। धीरे धीरे जिन जिन लोगों का ध्यान इस तरफ जाता है, हम एक समूह बना लें, समूह बनाकर जिस कॉलेज में ही है वहीं पर बच्चों के साथ, साथी शिक्षकों के साथ, मैनेजमेंट के साथ, डायरेक्टर के साथ, है ना, इन सभी के साथ कुछ कुछ कार्यक्रम आने वाले 2-4-5 साल में निकलने शुरू हो जाते हैं। फिर अगर ध्यान जाता है पूरे कॉलेज प्रशासन का, डिसीजन लेने वाले लोगों का, तो पूरे कॉलेज का वातावरण बदलता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप प्रयास करें और उनका ध्यान अभी ना जाए, तो जिन साथी लोगों का, जिन छात्रों का ध्यान जाता है, वो इसमें और गहराई से आगे बढ़ने लगते हैं। तो जितने भी लोगों का ध्यान जाता है उनके साथ उसको गहराई से यात्रा को शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आने वाले 5-7-10 सालों में लोग 5-10-100-1000 तक बढ़ते चले जाते हैं, है ना, और फिर धीरे धीरे आपको उसका स्टेबल रिफ्लेक्शन दिखने लग जाते हैं। ये लोग मिलजुल करके बहुत सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने लगते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम अपने समूह के लिए करने लग जाते हैं। तो भैया मैं तो यही कहूंगा कि इसको स्टेप बाय स्टेप करते रहा जाए, तो 4-5-7 साल 10 साल का सोच के किया जाए तो लंबे गहरे परिवर्तन आते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं ये ऑनलाइन सेशन 10वां है, लगभग 300 लोग हर रोज जुड़ते हैं, 250-300 लोग लगभग इसमें, और ये 10वां बैच कितने सालों से चल रहा है और उसके पीछे कितने साल पहले ये सब काम शुरू हुआ। तो हमको याद है कि जब 2009 में हम लोग टेक्निकल एजुकेशन का पहला वर्कशॉप कर रहे थे IIT कानपुर में, मई का महीना था, 21 मई से 27 मई का दिन था, मुझे याद है 2009 में, मैं उस प्रोग्राम का प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर भैया, मैंने लगभग कम से कम 200-300 फोन किए होंगे, तब 200-300-400 भी फोन किए होंगे कॉलेजेस को, 50-60 पार्टिसिपेंट जुटाने के लिए बहुत, है ना, बहुत मेहनत करनी पड़ी थी मुझे, मैं महीनों में लगा रहा था फोन पर, तब जुटे थे। आज के दिन देखेंगे तो रोज ही वर्कशॉप चल रहा है, ऑनलाइन वर्कशॉप देखें तो हर रोज चल रहा है इंग्लिश हिंदी का, ऑफलाइन भी चल रहा है, मॉर्निंग सेशन चल रहा है, और ज्यादातर जगहों पे पार्टिसिपेंट्स की संख्या ओवरफ्लो कर रही है। जितने लोग आज के दिन इस पूरी बात को समझकर जीकर अब जीने के लिए, अभ्यास करने के लिए तत्पर है, उतना हम लोग कम पढ़ रहे हैं उनका सहयोग कर पाने में, उनको दिशा दे पाने में, उनको रिक्वायर्ड इनपुट दे पाने में, है ना। तो पिछले 10-15 साल में ही ये इतना फ्लो, इतना ग्रो होता हुआ दिख रहा, तो अभी उसको धीरे स्टेप धीरे धीरे बाहर स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएंगे, लेकिन मुख्य काम उसके लिए अपने भीतर वाला जो ये अभ्यास है, अगर वो हम निरंतरता में ध्यान देकर नहीं करेंगे तो बाहर वाला कार्यक्रम में कभी करेंगे और कभी पीछे हट जाएंगे, कभी करेंगे कभी पीछे हट जाएंगे, वो फ्लक्चुएशन जो भीतर का है वो बाहर भी चलता रहेगा। ठीक है, ठीक है भैया। अभी तो मेरा अपना तो अध्ययन इसी चीज़ पे चल रहा है कि अगर वर्तमान व्यवस्था ऐसी है तो फिर ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो कि प्रकृति सम्मत हो और सह अस्तित्व में वो भी भागीदारी, मतलब वो अपने आप ही प्रकृति के सह अस्तित्व के साथ ही जुड़ी हुई हो। थोड़ा इस पे भी अध्ययन कर ही रहा हूँ, इस तरह का चल रहा है। जी जी जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते सभी को। भैया समय नहीं है लेकिन बस इतना ही मैं शेयर करना चाह रहा हूँ आज की चर्चा से कि जो भी, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सारी चीजें बताई गई है, सही समझ सही भाव, ये मुझ में आ गया है और मेरी हर एक एक्टिविटी इसी तरह से चल रही है, तो क्या ये सही है भैया? बस इतना ही बोलना था। हर चीज मतलब ऐसा निगेटिव कुछ भी नहीं लगता है, सब एवरीथिंग इज पॉजिटिव। जी जी, तो इसको तो आपको जांचना ही होगा, जांचने के लिए कुछ इंडिकेटर मैं बताता हूँ। इंडिकेटर ये है कि हमारे में जो हार्मनी है बीच बीच में उसमें फ्लक्चुएशन नहीं आता, नंबर वन। नंबर टू, मेरा जो हार्मनी है मेरे भीतर वो अब दूसरों के द्वारा किए गए व्यवहार और घटनाओं से निर्धारित नहीं होता। नंबर थ्री, मैं अपने से लेकर के जहां तक भी इस संबंध को देख पा रहा हूँ,
वो शक्ति निरंतर सुखी होने के दिशा में उनको सही समझ के सही बात की स्पष्टता हो जाए, है ना, उस पर वो लोग, है ना, उस हो सकता है उसका कुछ कार्यक्रम बनाकर मैं चलना शुरू करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। ये तीन इंडिकेटर है भैया, तो आप अपने भीतर जांच लीजिए, अगर ये तीनों इंडिकेटर आपको मिल रहे हैं तो आपके जो ध्यान में आ रहा है वो बात ठीक है, जी नहीं तो फिर बिल्कुल। ठीक से देखना ऐसा लग रहा है कि पड़ेगा। अपन हर क्षण हैप्पी है, ऐसा लग। देखो कॉलेज में हूँ मैं, छुट्टी का दिन है, 6:30 बजे आया हूँ, है ना, फिर भी अच्छा है, तो कुछ ठीक स्टूडेंट्स है, सामने उसी हैं। के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बाकी जी दो इंडिकेटर्स को और ठीक से देखिए। जी जी देख के बताता हूँ। जी, नमस्ते नमस्ते, सभी को धन्यवाद।